स्वास्थ्य बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है और मतदान के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग वोटिंग के लिए सुबह से ही घरों से निकलते शुरू हुए हैं और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से पहली बार किसी चुनाव में 75% पोलिंग 130 पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं निर्वाचन ड्यूटी में तैनात 205 गाड़ियों की जीपीएस से निगरानी होगी और आपको बता दें कि वेबकास्टिंग एवं जीपीएस की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 23 नवम्बर को मतगणना होगी। इस हॉट सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे केदारनाथ विधानसभा की पूरी प्रक्रिया क्या है। आपको बता दें कि 173 पोलिंग बूथों पर यह मतदान हो रहा है और 90,875 मतदाता अपना विधायक चुनेंगे। आज पुरुष मतदाता 54,919 और महिला मतदाता 45,963 बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और ये मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस जीआरडी होमगार्ड के 700 जवान तैनात किए गए हैं और पीएससी और अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां भी यहां तैनात की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि 173 पोलिंग बूथों में से 130 पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। विधानसभा क्षेत्र को 2 जोन और 47 सेक्टर में बांटा गया। केदारनाथ क्षेत्र का पूरा इतिहास आपको बताएंगे। 1951 के पहले आम चुनाव में ये सीट 6 चमोली पश्चिम सह प्रोड्यूसर के नाम से जानी जाती थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गंगाधर मेघानी पहले विधायक बने थे और 1957 में नया सीमांकन होने के बाद सीट 7 केदारनाथ बनी और कांग्रेस के नरेंद्र सिंह भंडारी चुनाव जीते। आपको बता दें कि 1962 में गंगाधर मेघानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधायक बने और 1967 में ये सीट का नाम 8 बद्री केदार को हो गया था। आपको बता दें गंगाधर मेघानी ने कांग्रेस में आकर ये चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। आपको बता दें कि 1969 के चुनाव में नरेंद्र सिंह भंडारी ने निर्दलीय चुनाव जीता। 1974 में कांग्रेस के नरेंद्र सिंह भंडारी फिर से चुनाव जीते। 1977 जनता पार्टी के प्रताप सिंह पुष्पान विधायक बने। 1980 में कुंवर सिंह नेगी विधायक बने। 1980 में कुंवर सिंह नेगी निर्दलीय विधायक बने और उन्होंने कांग्रेस के नरेंद्र सिंह 1985 में सीट 7 बद्री केदार बन गई और आपको बता दें कि लोकदल से कुंवर सिंह नेगी जीते। 1969 में कुंवर सिंह नेगी कांग्रेस के टिकट पर दोबारा विधायक बने। 1991, 1993 और 1996 में 3 बार भारतीय जनता पार्टी के केदार सिंह पूनिया विधायक रहे। 2002-2007 में 37 केदार सिंह भाजपा की आशा नोटियाल विधायक बनी। 2012 कांग्रेस की शरा रानी विधायक बनी। 2017 कांग्रेस से मनोज रावत विधायक चुने गए। तो चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज बताइएगा कि मतदान केंद्र पर मतदान की स्थिति कैसी है, लोगों में कितना उत्साह है। आपको बता दूं कि आज केदारनाथ का उपचुनाव का मतदान
मतदाता है। और आप भी बता दो कि 90,000 से भी अधिक जो मतदाता हैं आज अपने विधायक का चुनाव करेंगे, यानी कि आज वोटिंग करेंगे और 23 तारीख को जो है परिणाम सामने आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कौन इस पर विधायक चुना जाता है। हालांकि आपको ये भी बता दो कि 6 उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो टक्कर मानी जा रही है, मुकाबला माना जा रहा है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। और बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो आशा नौटियाल है, पूर्व विधायक रह चुकी है, और वही कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो मनोज रावत है, तो वो भी पहले विधायक रह चुके हैं। यानी कि दोनों के ही बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन ये फैसला 23 तारीख को हो पाएगा कि आखिर कौन विधायक बनता है और जनता किसको विधायक चुनती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से आज चुनाव हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जा रहा है और लंबी लंबी कतारें बूथों पर जरूर लगी है, क्योंकि 173 बूथ बनाए गए हैं और उन पर 90,000 से भी अधिक, यानी कि 90,875 के लगभग जो मतदाता है वो आज वोट डालते हुए नजर आएंगे। और आप देखिएगा सुबह से ही कहीं ना कहीं उत्साह की यदि बात करें तो युवाओं में तो उत्साह है ही, लेकिन बुजुर्गों में भी कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ही बुजुर्ग भी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब से कब वोट डाले और अपने घर को जाए। और आप देखिएगा कि सुरक्षा दृष्टि से यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए तमाम प्रशासन, निर्वाचन आयोग अपनी पूरी तैयारियां पहले से ही कर चुका है, क्योंकि आप देखिएगा कि 700 से भी अधिक जो जवान है PRD के और होमगार्ड के, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर सुरक्षा की स्थिति में लगाए गए हैं। और आप देखिएगा कि सुरक्षा शांतिपूर्ण चुनाव निमित्त इसको लेकर निर्वाचन आयोग पहले से ही सख्त है और तमाम प्रत्याशियों के जो कहा जाए कि जो समर्थक हैं उनसे भी अपील की गई है कि शांतिपूर्ण चुनाव होने दें। और आप देखिएगा कि लगातार चुनाव अभी भी चल रहा है और अभी तक यदि बात करें तो 2 घंटे लगभग चुनाव को शुरू हुए हो चुके हैं, मतदान को शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक देखा जाए तो 20% के लगभग जो मतदान है वो अभी तक केदारनाथ सीट पर हो चुका है। बताइएगा 9 बजे तक 80% वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल ताना, देखिए यदि 8 बजे से 9 बजे तक की मैं बात करूँ, 1 घंटे की बात करूँ, तो लगभग 8% वोटिंग हो चुकी थी, लेकिन अभी 10 बजे हैं तो अभी जो आंकड़े हैं वो जल्द ही सामने आने वाले हैं कि आखिर कितने परसेंट वोटिंग हुई है। लेकिन अभी 9 बजे तक की जो सामने निकल कर आए हैं वो 8% के आंकड़े निकल कर सामने आए थे। और अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता है तो कहीं ना कहीं ये परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि केदारनाथ एक ऐसी स्थित है, बड़ी संवेदनशील स्थित है और वहाँ पर कहीं ना कहीं सर्दी का प्रकोप भी लगातार देखा जा रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो थोड़ा लेट निकलते हैं और लेट निकलने के कारण कहीं ना कहीं इस मतदान को यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं इसको 100% कराने की कोशिश कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की तरफ से भी की गई है, तमाम अपील भी की गई और तमाम जागरूकता अभियान भी पहले निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाए गए और तमाम लोगों से अपील भी की गई है कि अपना मत जरूर करें। जी धनराज बताइएगा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र कितने हैं। बिल्कुल देखिए तानिया, यदि मैं बात करूँ संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र की, क्योंकि पूरे जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, बूथ बनाए गए हैं, वो 173 के करीब हैं और इनमें कम से कम ये माना जाए कि जो 73 बूथ हैं वो संवेदनशील हैं। हालांकि सुरक्षा दृष्टि से कहीं ना कहीं उनको कड़ी सुरक्षा जरूर दी गई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, तमाम जो आला अधिकारी है वो वहाँ पर मुस्तैद है और इस चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए तमाम प्रयास कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसके द्वारा किया जा रहा है, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। जी धनराज बताइएगा कि ठंड जो है वो बढ़ चुकी है, रिहायशी इलाका है, तो मौसम कितना प्रभाव डाल सकता है वोटिंग पर। बिल्कुल कहानी है, जैसे आपको बता दें कि केदारनाथ एक पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर कहीं ना कहीं सर्दी लगातार देखी जाती है, क्योंकि बर्फ लगातार वहाँ पर पड़ती है। आपने अभी देखा होगा चारधाम यात्रा के दौरान भी कहीं ना कहीं वहाँ पर बर्फ देखी गई थी, लेकिन वो ठंड का प्रकोप जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं वोटिंग पर असर जरूर डाल सकता है, क्योंकि जब सर्दी होती है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं मतदान तक पहुँचने में कहीं ना कहीं कतराते हैं, लेकिन उसके लिए तमाम प्रत्याशी भी प्रयास कर रहे हैं कि सभी मतदाता जो है बूथों तक पहुँचे और अपना मत करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से सर्दी हुई है तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित जरूर ये मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद धनराज। धनराज हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है, लोग सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं। तो वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद।
आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा में केदारधाम स्थित है और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उनके नेतृत्व में लगभग 2000 करोड़ से अधिक धनराशि से केदारनाथ धाम में दिव्य केदारनाथ और भव्य केदारनाथ का काम हो रहा है। पिछले समय जो आपदा आई थी उसके बाद से 750 करोड़ की योजनाएं थी वे धरातल पर उतर रही हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि केदारनाथ धाम में विकास के काम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वहां के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये सारा का सारा काम 2014 के बाद से प्रारंभ हुआ है और ये विकास के कार्य केदारनाथ धाम में सुचारू चलते रहे। उसके लिए लोगों ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के केदारनाथ उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कराएंगे। केदारनाथ विधानसभा में श्री केदार धाम स्थित है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके नेतृत्व में लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से श्री केदार धाम दिव्य केदार और भव्य केदार बन रहा है। अनेक चरणों में काम हो रहा है। पूरे केदारनाथ विधानसभा में अनेक विकास के काम चल रहे हैं और पिछले समय जो आपदा आई थी उसके बाद 750 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं वहां के लिए स्वीकृत हुई धरातल पर उतर रही हैं। अनवरत रूप से केदारधाम और श्री केदारनाथ विधानसभा का विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। वहां के लोग भली भांति जानते हैं कि ये सारा का सारा काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ, विकास अनवरत रूप से चले, इससे वहाँ के लोग ने केदारनाथ विधानसभा के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूँ, हजारों लोगों से, माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ और उनका समर्थन, उनका सहयोग, आशीर्वाद देखकर मैं कह सकता हूँ कि श्री केदारनाथ विधानसभा चुनाव का जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और विकास का काम अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा। केदारनाथ विधानसभा में हो रहे चुनाव को लेकर जहां वोटिंग शुरू हो चुकी है तो वहीं भाजपा उम्मीदवार आशा नोटियाल ने अपने मतदान का प्रयोग करने से पहले उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में माथा टेक कर पूजा अर्चना की और जीत की मनोकामना की। आशा नोटियाल का कहना है कि वे पूरे तरीके से अस्वस्थ हैं कि केदारनाथ की जनता उनको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने की भी अपील की है। देखिए, मैं जीत को लेकर तो पूरी आश्वस्त हूँ और अभी ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल से आप सभी से, सभी केदारनाथ के विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें ताकि हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर हर्ष सिंह रावत ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि वे पिछले कई दिनों से केदारनाथ में पार्टी का प्रचार प्रसार कराए हैं और माहौल भाजपा के खिलाफ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। चारधाम यात्रा की बदहाली, दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास करने के साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर लोगों में आक्रोश है। आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ में उपचुनाव हो रहा है। मैं इधर कोपता से लेकर, चंद्रनगर से लेकर, पूरे अगस्त मुनिपुरा क्षेत्र में घुमा हूँ, भीरी से लेकर और वहाँ रामपुर, सीतापुर, उखीमठ, अगस्त मुनि, मैंने सभी जगह जनसभाएं की हैं और कार्यक्रम किए हैं। वहाँ माहौल एकदम भाजपा के खिलाफ और विशेष करके भारतीय जनता सरकार के खिलाफ है माहौल, मुख्यमंत्री के खिलाफ है माहौल। इसके खिलाफ है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है वहाँ कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये एक माहौल इस तरह का वहाँ बना हुआ है और मुझे भरोसा है कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई। मैंने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित धून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। वे सम्मेलन नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर है। किस तरह कृषि पर्यटन और उत्तराखंड की भूमि में होने वाली वन संपत्तियों को जरिया
बनाकर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके उसको लेकर कार्यक्रम में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश और प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी शिरकत की। कार्यशाला में जो मंथन होगा उससे बहुत व्यवहारिक चीजें निकल कर आएंगी और हमें किन क्षेत्रों में अपने युवाओं को और अधिक प्रशिक्षण देना है जिससे कि वो अच्छा रोजगार प्राप्त कर सके, आने वाले समय में उनका जीवन अच्छा हो सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था उसके खोलने का उद्देश्य यही था, उनको धरातल पर उतार कर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना और केवल रोजगार से जोड़ना ही नहीं, आने वाले समय में वो केवल रोजगार खोजने वाले न बने, रोजगार देने वाले बने। इस प्रकार के प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम है, इस प्रकार की जो कार्यशालाएं हैं वो इसी काम कार्यक्रम। इससे सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का, नीति आयोग और सेतु भारतीय समाज अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जो महत्वपूर्ण चीज है उत्तराखंड के लिए इसको कैसे डेवलप किया जाए और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए उसके कार्यशाला यहाँ रखी गई है। और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि अगर 2014 के बाद देश में स्किल के ऊपर चर्चा होनी शुरू हुई तो उसका इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब उन्होंने स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की बात कही और उन्होंने स्किल डेवलपमेंट विभाग एक अलग से बनाया ताकि देश के युवाओं को शिक्षित कर सकें, स्किल कर सकें और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सकें। उनके लिए इस कार्यशाला के समस्त क्षेत्रों से यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए हैं, जब यहाँ पर हम बैठेंगे चर्चाएं होंगी कुछ नीतियां बनेंगी, कोई भी चीज बिना नीति के नहीं हो सकती। और अच्छी नीति बना के जिस तरीके से पिछले 3 साल में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बच्चों को स्किल दिया गया है, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी गई है, उत्तराखंड को एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ाया गया है, उसी तरीके से नई नीतियां बना के हम जो भी यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा उसको अडॉप्ट करेंगे और बच्चों को स्किल करने के लिए और उनकी एम्प्लॉयमेंट। राज्य के खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में आयोजित जनपद क्षेत्रीय खेल महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभा कर प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित इस खेल महाकुंभ में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 1100 के करीब बालिकाएं प्रतिभा कर रही हैं। कार्यक्रम में अपने शुभारम्भ संबोधन में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आज हमारी सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश के हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को निभा रही है और खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए नए और विकसित मैदान बनाए जा रहे हैं, उनके ट्रेनिंग के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और सरकारी नौकरियों में भी खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने खिलाड़ियों के हित में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब से खेल महाकुंभ के अंतर्गत राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी खिलाड़ियों को मिलने वाले 4% अंशन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग के द्वारा प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। आज देहरादून जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 2 दिवसीय खेल महाकुंभ रहेगा और निश्चित रूप से आज इस खेल महाकुंभ में जिस प्रकार से बालिकाओं का प्रतिभाग और जिस प्रकार से एथलेटिक गेम्स यहाँ पर हुए हैं वो साफ बताता है कि लड़कियां पूरी तरीके से ऊर्जा से भरी है और खेल के प्रति एक अद्भुत उनके अंदर रुचि है और खेल को लेकर उनकी गंभीरता उसको करियर बनाने के दृष्टिकोण से भी उनके वार्तालाप से झलकता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के खेल महाकुंभ एक सुंदर अवसर जो है वो हमारे खिलाड़ियों को देने का काम करता है। मैंने बहुत शुभकामना दी है कि बहुत जल्द आपकी हमारी मुलाकात जो है वो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में होगा और निश्चित रूप से यही बच्चे जो विभिन्न जनपदों में जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ से उत्तीर्ण होते हुए जो है राज्य स्तरीय में पहुंचेंगे और यही राज्य स्तरीय वालों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे सेलेक्ट होंगे, मुझे उम्मीद है, जो कि नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि 2025 के जनवरी माह के 28 तारीख से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बहुत शुभकामनाएं हैं और सबके मन में है कि हमारा उत्तराखंड यदि हमें जिताना है तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी प्राइवेट कंपनियां भी उत्तराखंड में आकर अपने हॉस्पिटल खोलकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योगदान दे रही हैं। वहीं अब राजधानी देहरादून में आरजे अस्पताल भारत की सबसे बड़ी यूरोलॉजी और लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल स्वयं देहरादून में भी अपनी सेवाएं देती हुई नजर आएगी। आरजे हॉस्पिटल का शुभारंभ करने के लिए आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत शिरकत करने पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने आरजे अस्पताल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और रिबन काटकर आरजे हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। वही निर्वर्तमान आपको बता दें कि निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल दामा ने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को
लेकर सरकार गंभीर है। वही हॉस्पिटल के प्रबंधक ने बताया कि उत्तराखंड के अंदर ये उनकी 18वीं जांच है। सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे यहाँ पे नया हॉस्पिटल खुला है आरजी हॉस्पिटल के नाम से, उनको मैनेजमेंट को बधाई दे रहा हूँ कि आप लोगों से पूरे देश में 17 हॉस्पिटल अभी तक थे, अभी 18 हॉस्पिटल हो गया है। और मुझे लगता है कि देहरादून के लिए एक अच्छी शुरुआत है कि एक अच्छा हॉस्पिटल और हमारे प्रदेश में आ गया है। हमने अपने प्रदेश में 3 बेसिक चीजें की हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारी 108 सेवा है, वो मरीज को 22 मिनट तक हॉस्पिटल तक उसको अनिवार्य रूप से पहुंचाना है, क्योंकि कई ब्लॉकों में ये था कि दूरी बहुत थी हॉस्पिटल, तो वहाँ हमने 2-2, 3-3 एम्बुलेंस अब लगाई। अगर 22 मिनट में नहीं पहुंच सकी तो 3 गुना उनसे टाइम डाला। शहरी क्षेत्रों में ये जो टाइम है वो 15 से 16 मिनट, 15 मिनट में उनको जो है हॉस्पिटल तक मैक्सिमम पहुंचाना है। हमारे राज्य में अब एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हो गई है। और बड़ी बात यह है कि मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब 70 साल से ऊपर के लोगों का 5 लाख रुपए तक का इलाज अब निःशुल्क हो जाएगा। उनके आजकल अब आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। मैंने सभी माननीय विधायक लोगों से भी निवेदन किया है, प्रेस के लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने माध्यम से जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको आप प्रेरित करिए कि आयुष्मान कार्ड जरूर। देखिए, हमारे उत्तराखंड में स्वास्थ्य जो है के प्रति लोग भी जागरूक हैं और स्वास्थ्य के लिए आरजी स्टोन के द्वारा यहाँ पर ये हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और आरजी स्टोन के बारे में जो हमने पढ़ा है और सुना है, उनके पूरे देश भर में 18 उनकी ब्रांचें हैं, ये पूरी चेन है। और इनको जो है ग्रीन बुक में भी इनका जो है नाम है और स्टोन के मामले में जो है। चलिए तो इनके साथ बुलेटिन में कहीं मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान के साथ।